नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल में जिसका नाम है कैलिडोस्को। आज हम बात करेंगे टाटा की नई गाड़ी जिसका नाम है H2X। ये गाड़ी जिनेवा मोटर शो में टाटा ने अनवेल की है और जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक microSUV है। तो इसके कुछ फीचर्स हैचबैक से लिए गए हैं और कुछ और फीचर्स SUV से लिए गए हैं। और अगर बाकी गाड़ियों की अगर आप बात करें जो इस कैटेगरी में आएंगी तो उसमें है मारुति की इग्निस और महिंद्रा की KUV 100। और टाटा की गाड़ियों का जो लाइनअप है उसमें ये आएगी टाटा नेक्सॉन के पहले और अनुमान है कि इसकी कीमत होगी 5 से 5.5 लाख के बीच में। तो इस गाड़ी का जो स्टाइलिंग है इसे टाटा कहती है ये इम्पैक्ट 2.0, जो कि हमने हैरियर में पहले ही हम देख चुके हैं। तो कई सारी चीज़ें ऐसी है जो हमें हैरियर की तरह यहाँ देखने को मिलती है, जैसे कि जो हेडलैम्प्स की जगह होती है वहाँ पे हमें एक LED स्ट्रिप नज़र आती है और जो फॉग लैम्प्स की जगह है वहाँ शायद प्रोडक्शन वर्जन में हमें हेडलाइट्स मिल जाए। तो बड़ा ही ज़बरदस्त डिज़ाइन लग रहा है और ख़ास तौर पर ये गाड़ी जिस कैटेगरी में आ रही है उस कैटेगरी में हमें इतना बोल्ड डिज़ाइन कम ही देखने को मिलता है। तो SUVs की तरह ही फ्रंट और रियर बम्पर्स के यहाँ इसे क्लैडिंग दिया गया है और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी इसकी तुलना में अगर आप बाकी गाड़ियों से कंपेयर करें तो ज़्यादा लग रहा है। एलॉय व्हील्स भी बहुत ही ज़बरदस्त और ओवरऑल अगर इसका शेप अगर देखें तो जो साइड में भी इसे लाइंस दिए गए हैं तो वो अगर आप तुलना करें बाकी गाड़ियों से जैसे इग्निस है या KUV है काफ़ी बेहतर ये डिज़ाइन लगता है। लेकिन जैसे कि हमने हैरियर के साथ भी देखा इसके प्रोडक्शन वर्जन में काफ़ी कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसकी फॉग लैम्प्स की जो जगह है वहाँ पे उसे हेडलैम्प्स दिए जा सकते हैं, एलॉय व्हील्स का साइज कम हो सकता है और अंदर के जो आप अभी फिलहाल इसके फीचर्स देख रहे हैं इसको एक एयरक्राफ्ट की तरह स्टीयरिंग व्हील दिया गया है वो शायद आपको ना दिखाई दे प्रोडक्शन वर्जन में। तो इसका जो इंजन होगा वो शायद टाटा टियागो में अभी जो 1.2 लीटर का इंजन है वही होगा ऐसे अनुमान है और इस गाड़ी का प्रोडक्शन वर्जन हमें देखने को मिलेगा 2020 के ऑटो एक्सपो में और इसका जो लॉन्च है वो भारत में होगा करीब 2020 मार्च में। तो ये बहुत ही बड़ा कदम है टाटा की तरफ से एक ऐसी सेगमेंट में जहां उनको इंडिका के बाद ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाया है। हमारी हैचबैक और microSUV की जो स्पेस है वहां पे मारुति सुजुकी और ह्युंडई जैसी कंपनियां हैं उनका दबदबा है और टाटा की इस सेगमेंट में एंट्री ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा कदम है। हम उम्मीद करते हैं कि इसका जो प्रोडक्शन वर्जन है वो हमें निराश ना करे, वो उतना ही ज़बरदस्त हो जितना ये कंसेप्ट वर्जन है और टाटा एक भारतीय कंपनी है तो हमारी शुभकामनाएं टाटा को हैं और हम चाहते हैं कि ये गाड़ी बहुत ही अच्छा सेल्स और बिजनेस करें और भारत का नाम रोशन करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके इस गाड़ी के बारे में क्या ख्याल है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।